खबर चमोली से आपको बता दें, जहां पर्यटकों के लिए खुल चुकी है विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। सैलानी आज से कर सकेंगे फूलों की घाटी के दीदार। घाटी में खिले हैं 350 से अधिक प्रजाति के फूल। घाटी में सैर के लिए कोविड-19 की गाइडलाइन का करना होगा पूरा का पूरा पालन। प्रवेश के लिए पर्यटकों को साथ लानी होगी कोरोना रिपोर्ट। 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी साथ। रिपोर्ट दिखाने के बाद ही कोई भी पर्यटक घाटी में प्रवेश कर सकेगा। कोरोना के बाद फूलों की घाटी हम लोगों ने खोल दी है और आज इसी बारे में हम लोग गाँव वालों से भी वार्ता हुई थी। जो भी पर्यटक आएंगे वो अपना कोविड का सर्टिफिकेट लेके आएंगे, उन्हीं को हम लोग पार्क में अनुमति जाने की। तो फूलों की घाटी को दर्शकों के लिए खोल दिया गया है, आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पे सुरेंद्र रावत हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सुरेंद्र, इस बार घाटी में खिले हैं 350 से अधिक प्रजाति के फूल, जिसको देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आखिरकार आज वो दिन आ गया है जिस दिन से फूलों की घाटी को खोल दिया गया है, पर कुछ गाइडलाइन का पालन करना होगा। तो क्या कुछ है उस गाइडलाइन के अंदर और आज से इस फूलों की घाटी की दीदार करने को लेकर क्या पहले से ही लोगों ने पर्ची कटा रखी है? जी पूजा, बिल्कुल। जिस तरह से जो फूलों की घाटी है इन दिनों अगस्त और सितंबर में वहाँ पे जो फूल खिलते हैं सबसे अधिक इसी दौरान वहाँ पे आने जाने का रहता है पर्यटकों का, लेकिन कोविड महामारी के चलते इस बार जब हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू नहीं हो पाई तो फूलों की घाटी में भी पूरी तरह से जो पर्यटक आते थे उनको रोक लगी गई थी। और आज से जो फूलों की घाटी के लिए जो खोला गया है वन विभाग की तरफ से, तो उनकी मॉनिटरिंग ये है कि जो भी लोग यहाँ पे आएंगे वो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसमें उनको अपनी मेडिकल रिपोर्ट देनी पड़ेगी, उसके बाद ही यहाँ पे जाने के लिए उनको अनुमति दी जाएगी और पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो भी नियम कोविड-19 के उनका पालन करना पड़ेगा, तत्पश्चात ही उनको जाने की अनुमति दी जाएगी। जी जी, तो कुछ गाइडलाइन यहाँ पे बनाए गए हैं जिसका पालन करना होगा तभी लोग फूलों की घाटी का दर्शन कर सकते हैं, उसका मजा ले सकते हैं। सुरेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हर साल यहाँ पे भारी तादाद में लोग आते हैं, देखते हैं, लुफ्त उठाते हैं, पर इस बार की फूलों की घाटी में क्या कुछ कमी आई है? क्योंकि हर बार काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे सैलानी आते हैं और बात फूलों की प्रजाति की करें तो भिन्न भिन्न प्रकार की फूल यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो इस बार कोई बदलाव हुआ है क्या? जी पूजा, बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ी जो इस बार की बात रही, क्योंकि चारधाम यात्रा शुरू नहीं हो पाई है और लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा पे आते हैं और जो श्रद्धालु बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब आते हैं वो इस दौरान फूलों की घाटी के भी दीदार करते थे, लेकिन इस बार यात्रा शुरू उस तरह से नहीं हो पाई और बहुत कम संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो पर्यटक भी उसी तरह से, जो सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक यहाँ पे पहुंचते थे, तो इस बार विदेशी पर्यटकों का जो फूलों की घाटी में पहुंचना नामुमकिन के बराबर लग रहा है, लेकिन जो स्थानीय भारत के जो पर्यटक होंगे जो इस तरह के प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य का दीदार करने का शौक रखते हैं उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत मौका है यहाँ पे फूलों की घाटी का दीदार करने का। और इस समय अगस्त और सितंबर माह में सैकड़ों की संख्या में पूरी फूलों की घाटी फूलों से आच्छादित हो जाती है और जिसका लुत्फ उठाने लोग यहाँ पे पहुंचते हैं।